नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल में आप सबका। बहुत ही हमारे शिक्षक साथी अनुरोध कर रहे थे, मैम पहले की तरह आप रजिस्टर वर्क हम सबसे साझा करिए। तो नया सत्र है, एक मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी रजिस्टर वर्क हम अपने विद्यालय में कर रहे हैं, चाहे वो बाल वाटिका से संबंधित हो, स्कूल रेडनेस या फिर अन्य कोई भी कार्य, वो आप सबसे वीडियो के माध्यम से साझा करने का प्रयास करेंगे। उसी की कड़ी में आज हम लेके आए हैं संचारी रोग एवं दस्तक अभियान, जो भी हमारे विद्यालयों में चलाया जा रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है कि विद्यालयों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जाए और संचारी रोगों पर नियंत्रण का प्रयास किया जाए। तो एक निश्चित गाइडलाइन, एक आदेश हमें मिला हुआ है कि किस तरह से अप्रैल माह में संचारी रोगों का संचालन हमें विद्यालय में करना है, बचाव हेतु क्या क्या गतिविधियां करानी है, उसका एक लिखित आदेश हमें प्राप्त हुआ है। उसी के हिसाब से मैंने ये पूरा रजिस्टर वर्क कंप्लीट किया है। थोड़ा सा कार्य अधूरा है, लेकिन आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से बाहर का आवरण है इसका। मेरा एक पहले का रजिस्टर है जो भर चुका है, इसलिए मैंने इसको नवीन रजिस्टर का निर्माण किया है। तो इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने का प्रयास किया है, कोई भी आकर्षक कार्य बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता है, वही सोच करके मैंने इसको निर्मित किया है। यहाँ पे कुछ संचारी रोगों के जो कारण होते हैं उनका चित्र, यहाँ पे मच्छर मक्खी वो सब लगाने का प्रयास किया है और एक कोटेशन डाला है, देश के बस दो ही दुश्मन, एक निर्छय दूजा मच्छर। उसके बाद संचारी रोग एवं दस्तक अभियान 2023, जन जन को जगाना है, संचारी रोगों को दूर भगाना है। ये पूरा एक डाल के मैंने इस तरह से बनाने का प्रयास किया है। दृढ़ संकल्प रोग मुक्त भारत। तो ये कुछ ऐसा रह गया इसका बाहरी आवरण। उसके बाद फिर अभी ये थोड़ा सा और इसमें कुछ कार्य करेंगे। और दूसरे पेज पे मैंने लिखा है विशेष संचारी रोग एवं दस्तक अभियान माह अप्रैल 2023, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023। यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम, प्राथमिक विद्यालय गौरिया कोट गुसाईगंज लखनऊ। देखिए जो गाइडलाइन मिली है, जो आदेश मिला है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे मुझे अभी लगानी है, वो हम निकलवा नहीं पाए हैं। तो आप अपना जो रजिस्टर वर्क करेंगे उसमें आदेश की कॉपी ज़रूर लगा दीजिएगा, उससे आपको सुविधा होगी। और अगर आपके विद्यालय में कोई भी निरीक्षण कार्य होता है तो आप सहजता से बता सकते हैं कि इस दिवस में हमें ये कार्य कराया गया और उस कार्य को कराने के बाद पश्चात हमने ये रजिस्टर वर्क मेंटेन किया है। तो वो मैं कल इसमें ऐड करूँगी। पहला हमें जो था कार्य 1/4/2023, जिस दिन हमारे विद्यालयों में नवीन सत्र का शुभारंभ हुआ, उसी के साथ ही संचारी रोग अभियान भी शुरू कराया गया, जिसके प्रथम दिवस आसपास साफ सफाई के लिए जागरूक करना था। तो इस तरह से कुछ मैंने बनाया, दिनांक 1/4/2023। दिनांक 1/4/2023 दिन शनिवार को प्राथमिक विद्यालय गौरिया कोट गुसाईगंज लखनऊ में विशेष संचारी रोग एवं दस्तक अभियान माह अप्रैल 2023 का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में 1 अप्रैल को नवीन सत्र का शुभारंभ व पुस्तक वितरण के अवसर पर अभिभावकों को आमंत्रित किया गया विद्यालय में। इस अवसर पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को संचारी रोगों के विषय में बताया गया, उन्हें अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया, खुले में शौच न करके नियमित शौचालय का प्रयोग करने को कहा गया, बच्चों द्वारा मज़ेदार गतिविधि कितने अच्छे लगते हैं वो अभिभावकों के समक्ष कराई गई और स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक किया गया। तो यहाँ पे वो मैंने छोटी सी जो गतिविधि कराई उसको वहाँ पर इसका अंकन किया है। और आपने जो अपने विद्यालय में कार्य करा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हो पाए तो आप निश्चित तौर पे जो भी कार्य कराए हैं अभिभावकों के साथ या बच्चों के साथ, उसका प्रिंट आउट आप अपने रजिस्टर में ज़रूर चश्मा कर दें,
वो एक सबूत भी होता है कह सकते हैं, और अपने कार्य को कभी भी किसी के समक्ष आप रख सकते हैं कि हमने ये कार्य कराया है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेज छोड़ दिया है ये वाला, यहाँ पे जो भी कार्य कराया गया उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आते हैं संचारी रोगों से संबंधित संदेश देना। ये द्वितीय दिवस का कार्य था 2/4/2023, नहीं ये 3 तारीख का कार्य था, 2 तारीख को संडे था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे डेट का अंकन, क्योंकि शनिवार से कार्य शुरू हुआ है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। ओके यहाँ पे 3 आप ऐड करिएगा, वो मिस्टेक हो गया, सो सॉरी। संचारी रोगों से संबंधित संदेश देना, ये मंडे का कार्य था, शनिवार से हमारा ये संचारी रोग अभियान चला है, फिर एक दिवस संडे था, उसके बाद फिर मंडे। तो मंडे को 3 तारीख संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 3/4/2023 को प्राथमिक विद्यालय गौरिया खुर्द में संचारी रोगों से संबंधित संदेश बच्चों को दिया गया। बच्चों को छोटी सी वीडियोस दिखाकर संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों को पोस्टर के माध्यम से संचारी रोगों के कारण व बचाव पर बातचीत की गई, उनको जानकारी दी गई। तो ये हमारा दूसरा कार्य था। इसी तरह ये पूरा रजिस्टर वर्क मेंटेन होता चला जाएगा, और जो भी अधूरा कार्य है वो हम पूरा करके आपको पुनः साझा करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चितया आपको आने वाले दिवस में हमारे YouTube चैनल पे बहुत से रजिस्टर वर्क जो नवीन सत्र से संबंधित हैं, जो नए नवीन कार्य हैं वो देखने को मिलेंगे। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए, शुरुआत यहाँ से हमने किया है। आदेश की कॉपी आप ज़रूर अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। यदि आपका पुराना रजिस्टर संचारी रोगों से संबंधित बना है तो उसी में नए सत्र का अंकन करके ये पूरा कार्य उसमें अंकित करते चले जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नवीन कार्य के साथ और कुछ नया करते हैं। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।